बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको ट्रेंड पी के यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ओप्पो के जो 2020 में मोबाइल लॉन्च किए गए हैं उनके बारे में बताएंगे, उनकी प्राइस एंड स्पेक्स के बारे में बताएंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर मोबाइल के बारे में जान सकें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानब। दोस्तों, ओप्पो ने जो लेटेस्ट मोबाइल लॉन्च किया है वो है ओप्पो A12 3GB। ओप्पो A12 3GB की जो प्राइस है वो है 19,999 रुपीज़। अभी मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा मोबाइल्स के बारे में आपको बताना है, आप कहीं बोर ना हो जाएं। तो इसलिए ओप्पो A12 3GB की जो प्राइस है वो है 19,999 रुपीज़। एंड्रॉयड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम है इस सेलफोन में। इसका जो वेट है वो है 165 ग्राम। दोस्तों, ये 4G सपोर्टेड सेलफोन है और जो इसमें प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक हीलियो P35 का। इसके अलावा अगर इस सेलफोन के साइज़ की बात करूँ तो 6.2 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है, और मेमोरी की बात करते हैं 3GB रैम के साथ 32GB बिल्ट इन मेमोरी दे रहा है ओप्पो A12 3GB में। और इसके अलावा अगर मैं इसकी जो कार्ड की बात करूं तो आप 256GB तक कार्ड भी लगा सकते हैं। कैमरास देख लेते हैं। बैक पर आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है मेन कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। इसके अलावा जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। बढ़ते हैं आगे, आपको बैक पर बता दूँ कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मिल जाएगा, और जो इसकी बैटरी है वो है 4230 mAh की। तो दोस्तों, ये था ओप्पो A12 3GB जिसकी प्राइस है 19,999 रुपीज़। इससे पहले जो सेलफोन लॉन्च किया गया वो था ओप्पो A11K, और ओप्पो A11K की जो प्राइस है वो है 18,999 रुपीज़। अब 18,999 रुपीज़ में आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इस सेलफोन का वेट भी 165 ग्राम है, और इसके अलावा ये सेलफोन जो है इसमें प्रोसेसर जो है वो है मीडियाटेक हीलियो P35 का, और इसके मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी दोस्तों इसकी है 2GB रैम के साथ 32GB बिल्ट इन मेमोरी। इसके अलावा 256GB तक कार्ड भी लगा सकते हैं। 6.2 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है। बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। कैमरास जो है वो बैक पर डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 13 यानी 13 मेगापिक्सल का, और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। इसके अलावा बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, और बैटरी 4230 mAh की विद 10 वाट चार्जिंग के। तो दोस्तों, इस सेलफोन में ओप्पो A11K में और ओप्पो A11 3GB में 1000 का डिफरेंस है, और दूसरा डिफरेंस जो 1000 प्राइस कम है इसकी, तो इसमें 2GB रैम मिल रही है जबकि ओप्पो A12 3GB में आपको 3GB रैम मिल रही थी। बाकी स्पेसिफिकेशन सेम है। तो बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, उससे पहले जो फ़ोन लॉन्च किया गया था वो था ओप्पो A12e। अब ओप्पो A12 के बाद ओप्पो A12e आया था, फिर उसके बाद ओप्पो A12 3GB आया था। तो ओप्पो A12e की जो प्राइस है वो है 19,999 रुपीज़। दोस्तों, 19,999 रुपीज़ में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो कुछ यूँ है कि एंड्रॉयड 8.1 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ज़रा कम ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया है इसमें, लेकिन इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन ओप्पो A12 3GB से अच्छी हैं। बाकी इसमें 165 ग्राम वेट मिल जाता है आपको, और इसका जो अपना प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 450 का। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर अच्छे होते हैं, 450 का प्रोसेसर है। इसके अलावा 6.2 इंचज़ का डिस्प्ले साइज़ है, और अगर मेमोरी की बात करूँ यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, मेमोरी है 3GB रैम के साथ 64GB बिल्ट इन मेमोरी। तो पूरे 32GB का इजाफा है। 19,999 रुपीज़ प्राइस है, सेम प्राइस है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो है 8.1 ओरियो ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा 256GB तक कार्ड भी लगा सकते हैं दोस्तों, और इसके बाद फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। कैमरास की बात करें तो 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है मेन कैमरा, इसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर भी जो है वो सेल्फी कैमरा उससे अच्छा है सेम प्राइस में। इसके बाद बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर है, और 4230 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों, ओप्पो A12e जो है उसमें और ओप्पो A12 3GB में आपको जो चूज़ करना है, मेरे ख्याल में ओप्पो A12e बेस्ट है। बस इसके जो सेल्फी कैमरा है वो
ड्रॉप नॉच के नहीं साथ नहीं आता बल्कि थोड़ी ज़्यादा जगह ले रहा है, आप पिक्स देख सकते हैं। बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है उस सेलफोन से अच्छी लगी है मुझे। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इससे पहले ओप्पो ने जो फ़ोन लॉन्च किया था वो था ओप्पो A31, और ओप्पो A31 की प्राइस थी 29,999 रुपीज़। अब 29,999 रुपीज़ की प्राइस में आपको जो स्पेसिफिकेशन मिलती हैं वो यूँ हैं कि इसमें आपको 99.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, 180 ग्राम इस सेलफोन का वेट है, और मीडियाटेक हीलियो P35 का प्रोसेसर इस सेलफोन में लगाया गया है। इसके अलावा जो इसका साइज़ है वो है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज़, और ये कॉर्निंग गरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आता है। दोस्तों अगर इसकी मेमोरी की बात करें तो 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन मेमोरी मिल रही है इस सेलफोन में आपको, और इसके साथ साथ माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें मेन कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है, फिर उसके बाद एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, जबकि जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। इसके अलावा बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है, और जो बैटरी है 4230 mAh की बैटरी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इससे पहले जो ओप्पो ने फ़ोन लॉन्च किया वो था ओप्पो A52, और ओप्पो A52 की प्राइस है 34,999 रुपीज़, यानी 35,000। इस प्राइस में आपको एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा इस सेलफोन का जो वेट है वो 192 ग्राम है, और इसमें जो प्रोसेसर चिपसेट लगाई है ओप्पो ने वो है स्नैपड्रैगन 665 की चिपसेट, स्नैपड्रैगन 665 की चिपसेट अच्छी चिपसेट है। इसके अलावा 6.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, HD रेजोल्यूशन दे रहा है ओप्पो इस सेलफोन में, और कॉर्निंग गरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ ये सेलफोन आता है। अगर मेमोरी की बात करें तो 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन मेमोरी देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर कैमराज की बात करूँ तो बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यानी चार कैमरा हैं बैक पर, जिनमें जो मेन कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, फिर एक 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा है, और एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और उसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। जबकि दोस्तों जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का, और बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है, और बैटरी इंटरेस्टिंग है, बैटरी है इसकी 5000 mAh की, जो कि 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। तो दोस्तों ये था ओप्पो A52। फाइनली ओप्पो ने फास्ट चार्जिंग भी 35,000 तक में अनाउंस कर दी, और बैटरी भी अच्छी दे दी, और लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस सेलफोन में एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगा दिया। तो ये था ओप्पो A52। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों इससे पहले जो ओप्पो ने फ़ोन लॉन्च किया था वो था ओप्पो A12। अभी इससे पहले मैंने जो लेटेस्ट ओप्पो ने इसी के मॉडल लॉन्च किए हैं ओप्पो A12 3GB और ओप्पो A12e, उसके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया। तो ओप्पो A12 की प्राइस है 24,999 रुपीज़। 24,999 रुपीज़ में बाकी स्पेसिफिकेशन तो सेम है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एंड्रॉयड 9.0 पाई ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, 165 ग्राम वेट है, इसके अलावा मीडियाटेक हीलियो P35 की चिपसेट है, और 6.2 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है। मेमोरी जो है वो ज़्यादा है, 4GB रैम के साथ 64GB, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो 24,999 रुपीज़ है, और 256GB का कार्ड लगा सकते हैं। इसके अलावा बैक पर आपको डुबल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, और इसके साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का इसका सेल्फी कैमरा है, और ओप्पो A12 के बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो इसकी बैटरी है वो है 4230 mAh की। तो यहाँ पर जो ओप्पो A12 की प्राइस है वो है 24,999 रुपीज़, और 4GB रैम के साथ 64GB बिल्ट इन मेमोरी मिल रही है। इसके अलावा बाकी स्पेसिफिकेशन ओप्पो A12 3GB और ओप्पो A12e पर ही सेम स्पेसिफिकेशन हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देख लेते हैं अगला फ़ोन। जी तो दोस्तों इससे पहले ओप्पो ने लॉन्च किया था ओप्पो A92, और ओप्पो A92 की प्राइस है 39,999 रुपीज़, यानी 40,000। और ये एक ओप्पो का खूबसूरत सेलफोन है, अच्छी स्पेसिफिकेशन है इस सेलफोन में, बड़ी ज़बरदस्त मुकम्मल स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ यूँ हैं कि एंड्रॉयड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है,
इसके अलावा इसका वेट है 192 ग्राम और स्नैपड्रैगन 665 की चिपसेट देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 6.5 इंचेस का डिस्प्ले साइज़, और इसके साथ साथ HD रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग ग्रिला ग्लास की प्रोटेक्शन है, और अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो दोस्तों 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है, जिसके साथ साथ आप माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो 40,000 की प्राइस में बहुत सारी कंपनीज दूसरी भी 8 GB रैम दे रही हैं, बहुत बड़ी रैम है, आपकी हर गेम इस पे चलेगी। तो 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है। इसके अलावा जो कैमराज हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग हैं। बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 48 MP का, और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 16 MP का पंच होल डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, जो इस सेल फोन को और खूबसूरत बनाता है। इसके अलावा साइड पर जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो है साइड माउंटेड, और इसके अलावा जो इसकी बैटरी है वो है 5000 mAh की बैटरी विद 15 W फास्ट चार्जिंग के। तो दोस्तों ये था ओप्पो A92, जिसकी प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 40,000, और 40,000 की प्राइस में बहुत शानदार स्पेसिफिकेशन है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं जो इससे पहले सेलफोन लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों इससे पहले ओप्पो ने जो सेलफोन लॉन्च किया था वो था ओप्पो F15, और ओप्पो F15 की जो प्राइस रखी थी ओप्पो ने वो थी 44,999 रुपीज़, यानी 45,000, और 45,000 की प्राइस में आपको एंड्राइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा इस सेलफोन का जो वेट है वो है 172 ग्राम, और इस सेलफोन में आपको मीडियाटेक हीलियो P70 की प्रोसेसर चिपसेट देखने को मिलती है। इसके अलावा 6.4 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, और इसके अलावा आपको HD रेजोल्यूशन देखने को मिलती है, कॉर्निंग ग्रिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, और अगर इसकी मेमोरी की बात करूँ तो 8 GB रैम के साथ 128 GB बिल्ट इन मेमोरी है। कैमराज जो हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 48 MP का, और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है 16 MP का। इसके अलावा अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है सेल फोन में, और जो इसकी बैटरी है वो है 4025 mAh की विद 20 W फास्ट चार्जिंग के। तो दोस्तों ये था ओप्पो F15, और बढ़ते हैं आगे और आप देख लेते हैं अपना अगला फ़ोन। जी तो दोस्तों इससे पहले जो फ़ोन लॉन्च किया गया वो था इस साल का आखिरी फ़ोन ओप्पो रिनो 3 प्रो, और ओप्पो रिनो 3 प्रो की जो प्राइस है वो है 64,999 रुपीज़, यानी 65,000। अब 65,000 की प्राइस में आपको एक अच्छा ही फ़ोन मिलने वाला है, तो ये फ़ोन बड़ा ज़बरदस्त है। एंड्राइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम लगाया गया है। इसके अलावा 175 ग्राम इस सेल फोन का वेट है। मीडियाटेक हीलियो P95 की चिपसेट लगाई गई है। इसके अलावा अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो 6.4 इंचेस का डिस्प्ले साइज़ है, सुपर एमोलेड कैपेसिटिव टच स्क्रीन है, HD रेजोल्यूशन है, कॉर्निंग ग्रिला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ ये सेलफोन आता है, और अगर मेमोरी की बात करूं तो 8 GB रैम के साथ 256 GB तक इसकी बिल्ट इन मेमोरी है। इसमें कार्ड नहीं लगा सकते क्योंकि खुद मेमोरी ही बहुत ज़्यादा है 256 GB तक। और इसके बाद जो इसके कैमरा है बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो है 64 MP का, फिर इसके बाद एक 13 MP का कैमरा है, एक 8 MP का कैमरा है, और एक 2 MP का कैमरा है। बैक पर आपको 4 कैमराज देखने को मिलते हैं, और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो भी डुअल सेल्फी कैमरा है, और 44 MP का सेल्फी कैमरा है इसका। इसके बाद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस सेल फोन में आपको देखने को मिलता है, और जो इसकी बैटरी है वो है 4025 mAh की विद 30 W फास्ट चार्जिंग के, यानी आपकी जो फुल चार्जिंग है वो 40 मिनट में आपकी 100% चार्जिंग हो जाती है इस सेल फोन में। तो दोस्तों ये थे ओप्पो के वो सेल फोन जो 2020 में लॉन्च किए गए, उनकी प्राइस एंड स्पेक्स के बारे में आपने जाना। आप इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने इससे पहले इन्फिनिक्स के, वीवो के और सैमसंग के ये सारे सेलफोन आपको इकट्ठे भी लगाए हैं, इसके अलावा सेपरेट भी जो है इनकी वीडियोस लगाई हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।